उन्नाव रेप मामले में पीड़िता की मां ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई एक्टिव हो गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से इसकी रिपोर्ट मांगी है। गौरतलब है कि पीड़िता के परिजनों ने यह कहा था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखकर बताया था कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई मनोज सिंह और कुन्नू मिश्रा ने उनके घर पर आकर धमकी दी थी। मीडिया के हवाले से एक खबर आने के बाद चिट्ठी को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को नोटिस जारी किया है। रजिस्ट्री से एक हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। दरअसल उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के परिवार ने 12 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के लिए चिट्ठी लिखी थी, लेकिन वो चिट्ठी सीजीआई तक पहुंचने में देर हो गई थी। इसी को लेकर मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से जवाब मांगा है। उन्नाव रेप मामले में पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है और इस बीच इससे जुड़े लगातार कई खुलासे हो रहे। चिट्ठी में बताया गया है कि विधायक के भाई ने उन्हें धमकी दी कि उन्होंने जज को खरीद कर विधायक की बेल ले ली है, इसके बाद अब वे मुझे सजा दिलाएंगे। इसके अलावा पूरे परिवार को जेल में डाल देने की भी धमकी दी गई थी।